हेलो माय स्टूडेंट्स, हेलो माय व्यूअर्स, लर्न विद सैयद चैनल में आपका स्वागत है वापस से। आज की जो वीडियो है ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है और ये थर्ड क्लास है। टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री। आज के क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, क्या देखेंगे? आज के क्लास में हम एक्सरसाइज 6.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके? और ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे ये स्टेट बोर्ड के बच्चे भी देखेंगे ही देखेंगे, इसके साथ में जो सीबीएसई के बच्चे हैं ये भी देख सकते हैं ताकि वो अपनी टेक्स्ट बुक के भी एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सके। द मेन आइडिया इज दैट एज अ स्टूडेंट यू मस्ट गेट अ ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल्स व्हेन वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपके पास अगर साइन थीटा का वैल्यू दिया है तो आप कॉस थीटा टैन थीटा कैसे फाइंड कर सकते हो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ सिंपल एग्जाम्पल थे जो प्रूव डैट है वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो माय स्टूडेंट्स, हेलो माय व्यूअर्स। तो ये है टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज 6.1। ये जो एग्जांपल्स है ये हमारे स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक की है, महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक की है, लेकिन ऐसे ही एग्जांपल्स आपको सीबीएसई के बुक्स में भी दिखाई देंगे। तो ऐसा कोई अगर स्टूडेंट हो जो ये वीडियो देख रहा है जो सीबीएसई बोर्ड से, तो इसे भी फॉलो कर सकता है और जो एग्जांपल्स डिफिकल्ट लगते हैं तो वो मेरी ईमेल आईडी पे भेज सकता है, मैं उसका सोल्यूशन जल्द से जल्द लगा के दे दूंगा, ठीक है? तो अगर कुछ डिफिकल्टी हो तो प्लीज कमेंट में सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25 और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टैन थीटा। तो ये हम कैसा करेंगे, चलो देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमें दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 7/25। अब हमको जब भी साइन थीटा दिया गया होगा हम कॉस थीटा को पहले फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है? ये फॉर्मूला यूज करके हम साइन और कॉस दोनों की वैल्यू जैसे ये हो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर आएगा 7/25 इसका होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब 7 का स्क्वायर होता है 49 और 25 का होता है 625 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसके बाद में इसको उठा के यहां पे लेके आएगा तो हो जाएगा माइनस, तो कि मेरे पास क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस 49/625। अब अगर मैं एलसीएम करूंगा तो यहां पर आएगा 625 - 49 द होल डिवाइडेड बाय 625, ओके? यस और नो? अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करके देखें कि हमारा आंसर क्या आता है। हमारा आंसर आया 576 अपॉन 625। ये किसकी वैल्यू मिली मुझे बच्चे लोग, ये वैल्यू मुझे मिली कॉस स्क्वायर थीटा की। तो कॉस थीटा कैसा निकालेंगे, कॉस थीटा विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 576 अपॉन 625। अब आपको पता होना चाहिए कि जो 576 है इसका स्क्वायर रूट होता है 24 और जो 625 है उसका तो होता है 25। तो यहां पर मुझे कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है 24/25 और ये मेरा एक आंसर आ गया। अब दूसरा मुझे क्या पूछा है, अब दूसरा मुझे पूछा है टैन थीटा। मुझे पता है कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, डेटा में दिया हुआ है 7/25 एंड कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 24/25। ये आपस में कट हो गया तो मुझे टैन थीटा का वैल्यू मिल गया 7/24, ये मेरा आंसर आ गया। तो इस तरीके से अगर साइन दिया है तो कॉस और टैन मैंने फाइंड आउट किया, ओके?
तो अब हम बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। सो बच्चे लोग, ये भी है एग्जाम्पल नंबर टू टेक्स्ट बुक के अंदर। यहाँ पे टैन थीटा का वैल्यू दिया है 3/4 और पूछा है वैल्यू ऑफ सेक थीटा एंड कॉस थीटा। तो ये भी बहुत ही आसान एग्जाम्पल है। सबसे पहले गिवन डेटा को लिखेंगे, दैट इज टैन थीटा इज इक्वल टू 3/4। सो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला 1 + tan²θ, क्योंकि जो डेटा दिया है ना फॉर्मूला भी वही यूज करेंगे। अगर आप पहले एग्जाम्पल में देखोगे तो यहाँ पे साइन का डेटा दिया था और हमने ये वाला एग्जाम्पल यूज किए थे, ये फॉर्मूला यूज किए थे, बराबर है। अब हमें टैन दिया है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 1 + tan²θ, दिस इज इक्वल टू व्हाट, sec²θ, ठीक है। अब यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 3/4 और इसका होल स्क्वायर, इट इज इक्वल टू sec²θ। अब आपको पता है कि 3 का स्क्वायर 9 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा 9/16 इज इक्वल टू sec²θ। इसके बाद में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम। एक बात कभी भी याद रखो बच्चे लोग, क्या है कि एक नंबर अगर फुल में है और बीच में प्लस है कि फ्रैक्शन है, तो आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा, कोई कोई शॉर्टकट नहीं है उसके लिए। तो यहाँ पर आंसर में आएगा 16 + 9 द होल डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू sec²θ। 16 और 9 इनको ऐड किए तो आंसर आएगा 25। 25/16 इज इक्वल टू sec²θ। Therefore, sec²θ इज इक्वल टू 25/16। और अब क्या आंसर रहेगा हमारा, अगर स्क्वायर को हटाना हो तो रूट निकालना पड़ेगा। आई रिपीट, स्क्वायर को हटाना हो तो रूट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा sec θ इज इक्वल टू √25/16। और इसका तो स्क्वायर छोटा बच्चा भी बता जाएगा जो 8वीं में, तो इसका आंसर आएगा 5 और इसका आंसर आएगा 4। ये मेरे को मिल गया आंसर sec θ का, ये मेरे को मिल गया आंसर sec θ का। अब और एक बात पूछा है, cos θ पूछा है, तो cos के लिए क्या करेंगे, cos θ का आंसर होता है 1/sec θ। बेसिक रिलेशनशिप मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया हूँ, जिनका ये छूट गया है वो जो इस वीडियो पे डायरेक्ट आया है प्लीज पहले वो वीडियो पे जाइए, आपको पूरा बेसिक समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/5/4 और अब ये 4 जो है बाउंस होके ऊपर आ जाएगा, तो कॉस थीटा क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा मुझे मिलेगा 4/5। और इस तरीके से मुझे दोनों आंसर आ गया। मुझे टैन थीटा दिया था तो मैंने पहले सेक थीटा फाइंड किया, उसके बाद में कॉस थीटा फाइंड किया, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे अगले एग्जाम्पल की तरफ, एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। तो देखिए हमने ये दो एग्जाम्पल सॉल्व कर चुके हैं, अब हम करेंगे थर्ड एग्जाम्पल। सो माय स्टूडेंट्स, अभी हमें दिया है कॉट थीटा इज इक्वल टू 40/9 और हमें पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा एंड साइन थीटा। तो ये भी बहुत ही आसान एग्जाम्पल है, और खास करके अगर आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आते हैं तो बहुत इजी है। लेट्स स्टार्ट। कॉट थीटा 40/9, 1 + cot²θ इज इक्वल टू cosec²θ। 1 + cot²θ इज इक्वल टू cosec²θ, इसीलिए 1 + 40/9 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू cosec²θ। तो इसके आंसर में क्या आएगा, देयर फॉर 1 + 1600/81 इज इक्वल टू cosec²θ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइए कि आपको लेक्चर क्लास कैसी लगी, कितना आपको हेल्प हो गया। आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। सो प्लीज एक अच्छी कोशिश है सबके लिए। चलो कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पे एलसीएम की वजह से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे रहेगा 81 + 1600 द होल डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू cosec²θ। अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा,
1681 डिवाइडेड बाय 81, और यहाँ पर आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो फाइनली फाइनली अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1681 डिवाइडेड बाय 81। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1681 डिवाइडेड बाय 81। थीटा विल बी 41 अपॉन 9। 1681 का रूट आता है 41 और 81 का रूट आता है 9। और साइन थीटा जो हमें निकालना है, इट इज 1 अपॉन कोसेक थीटा, दैट इज 1 अपॉन 41 अपॉन 9। ये 9 जो है बाउंस के ऊपर आएगा, तो हमारा साइन थीटा बनेगा 9 अपॉन 41। दिस इज साइन थीटा। तो इस तरीके से हमने ये एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, और आने वाले वीडियोस में आपको डेफिनेटली आगे के एग्जांपल भी सॉल्व करके मिलेंगे। ठीक है, सो एक और एग्जांपल देखेंगे। सो माय स्टूडेंट्स, दिस इज द फोर्थ एग्जांपल ऑफ दिस एक्सरसाइज 6.1, और यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है और हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे हमें दिया है, यहाँ हमें दिया है 5 सेक थीटा माइनस 12 कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0। सबसे पहले ये दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो नेगेटिव पार्ट है उठा के यहाँ लेके आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा। देयरफॉर 5 सेक थीटा इज इक्वल टू 12 कोसेक थीटा, बराबर है। इसको मैंने उठा के यहाँ लाया तो उसने पॉजिटिव कर दिया। अब यहाँ पे सेक को कॉस में लिखेंगे, कोसेक को साइन में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 × 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 × 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसका मतलब 5 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 अपॉन साइन थीटा। ये समझना बहुत जरूरी है बच्चे लोग कि मैंने क्या किया हो, सेक को कॉस में लिया, कोसेक को साइन में लिया। अब उसके बाद में क्या करेंगे वो देखो। यहाँ पे कॉस को उठा के डालेंगे ट्रिग्नोमेट्री के साथ में, 12 को उठा के डालेंगे नंबर के साथ में। इसका मतलब ये है कि ये कॉस जाएगा यहाँ पे विद ट्रिग्नोमेट्री और ये 12 आएगा यहाँ पे नंबर के साथ में। तो हमारा नंबर का इक्वेशन कैसा बनेगा, हमारा इक्वेशन बनेगा 5 अपॉन 12 इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। आई होप ये समझ में आया आपको। साइन जो था नीचे का नीचे, ये कॉस ऊपर आ गया, 5 जो था ऊपर का ऊपर, ये 12 नीचे आ गया। ठीक है, और इससे हमारा काम काफी आसान हो गया, एकदम सिंप्लीफाई हो गया हमारा काम। देयर फॉर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये होता है कॉट थीटा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चे लोग, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या मिल गया अपने को, 5 अपॉन 12। कॉट थीटा क्या मिल गया बच्चे लोग हमें, 5 अपॉन 12। एंड वी नो दैट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब इसके आंसर के लिए आएगा 1 प्लस 5 अपॉन 12 और इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, बराबर है। अब एलसीएम लेंगे, तो हम थोड़ा लेंदी है मैं जानता हूँ, बट ध्यान देना है। तो यहाँ पर आएगा 144 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर 169 अपॉन 144 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब अगले पेज पे जाएंगे। देयरफॉर कोसेक थीटा इज स्क्वायर रूट ऑफ 169 अपॉन 144,
जिसका आंसर आता है 13/12। ये मिल गया मुझे कोसेक थीटा। तो इससे आप लोग काफी इजीली अंदाजा लगा सकते हो कि हमें साइन थीटा क्या मिलेगा। साइन थीटा एग्जैक्टली इसका उल्टा हो जाएगा, जो कि बनेगा 12/13। और ये कैसे होता है मैंने आपको अभी कुछ देर पहले वीडियो में बताया हो। साइन पूछा है हमें, कॉस पूछा है और सेक पूछा है। अगर कॉस निकालना हो तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/12/13 द होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 144/169। तो मैंने दो स्टेप स्किप किया, एक स्टेप स्क्वायरिंग का, एक स्टेप ट्रांसफर का, दोनों को मैंने एक ही स्टेप में मिक्स कर दिया। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 169 माइनस 144 डिवाइड बाय 169, दैट इज 25/169। ये मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या मिलेगा? कॉस थीटा मिलेगा हमें रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 169, जो कि बनेगा 5/13। ये बन गया कॉस थीटा, ये बन गया कॉस थीटा। अब खाली क्या पता करना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा इज 1/cos थीटा विच इज 1/5/13, और इसका आंसर आएगा 13/5। ये बन गया सेक थीटा। तो इस तरीके से बच्चे लोग, जब आपको एक ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू दी गई है तो आप आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके बाकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ठीक है, सो आने वाले वीडियोस में हम इस एक्सरसाइज के आगे एग्जांपल देखेंगे, प्रूफ डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम आपको ट्रिक्स बताएंगे कि किस तरीके से आप प्रूफ डेट को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हो। तो तब तक के प्रैक्टिस कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए, और हाँ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बाय।